छोड़ने के लिए आया और उसको सर्प ने डस लिया और मेरे तो इकलौता पुत्र था रे मतलब उतन पूछ चली गई नुक लग गए बेबे तेरे से पहले तो यहां पता नहीं कितने आए उतन पूछ जा चुके अब तो एक काम कर ले के किरण से कोई बात बनने वाले नहीं है इसको यहां से उठा ये मिट्टी हो चुकी है और इसको ले जाके शमशान भूमि में और इसका दाह संस्कार कर अब रानी उस मालिक के कहने से केले के पत्तों में अपने लड़के की लाश को लपेट के और शमशान भूमि में पहुंच जाती है और वहां लेके चली तो गई लेकिन रानी को ये चिंता सताने लग जाती है कि अब इसके फूकने का इंतजाम कैसे करूं यहां ले तो आई और अपने लड़के की लाश को शमशान भूमि में रख के और कभी उसका मुंह चूमती है और कभी उसको उठा कर छाती से लगाती है और एक बात के द्वारा विलाप करती है रानी और क्या क्या कहती है क्या बताएगी रागिनी के द्वारा भला स्वामी तन नाग का रूप धारण करा परीक्षा लेने के लिए जहर मली लिखा जमीन पर पड़ गया पड़ा पड़ा रुके लगा के कोई मेरी आवाज सुनता हो तो मेरी माँ दुखियारी में जाग कही जो पंडित रामलाल के यहाँ पर गुजारा करे उधर जाके पंडित रामलाल के बाण आगे आवाज मारी किसी का बेटा रोतास अपना नाम बतावे
बागा में फूल चुगने के लिए गया था, वहां पर उसको सर्प ने डस लिया, अपनी माँ से मिलना चाह रहा है। कोई आवाज सुनता हो तो अपनी माँ का नाम मदनावत बताओ, चाह कर मिल ले। इधर से उसके मदनावत के कानना में आवाज गई, भाज ली, काम काज ने छोड़ दी। सीधी बागा के महा अपने बेटे की लाश को देखा, तवाड़ा आया, अपने बेटे की लाश ने ले के गोड्या में और विलाप करने लगी, एक बात के द्वारा न्यू करने लगी, करे लाडले एक बार तो आंख खोल के मन माँ कह कर बोल, कैसे कवि ने क्या कल्पना दर्शाई बोला।
मेरे बोलने आ